नमस्कार, मैं प्रिय रंजन। और आज के इस एपिसोड में जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन है टाटा मोटर्स को लेकर के। मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको कहा है कि जब भी ये स्टॉक या तो ऑल टाइम हाई पे हो या फिर 52 वीक हाई पे हो, ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करने से बचना चाहिए। हमने कहा कि टाटा मोटर्स को लेकर के जो मेरे व्यूज हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। इसी बीच में JLR के नंबर्स आए जो कि काफी फेवरेबल रहे, और आगे के एक्सपेक्टेशन भी है कि स्टॉक बेटर करते दिखेगी। 6 मंथ के ट्रेंड आउट परफॉर्मिंग रहे, 5 डेज के रिटर्न देखेंगे तो कंसोलिडेट रहा और कंसोलिडेट रेंज एक ब्रेकआउट हुआ, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होते दिखेगा। आज के कामकाज को अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो जो सेलिंग रही वो बाइंग के कंपेरेटिवली डबल रही, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने 2% की तेजी दिखाई, यानी बायर इस समय सेलर के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो वॉल्यूम रहा वो 1 करोड़ 21 लाख के आसपास का रहा है, 51% की डिलीवरी रही। और जो लास्ट न्यूज हमने आपको कहा इस स्टॉक में, वो न्यूज JLR के सेल्स के नंबर ही रहे हैं। यहाँ इसके फीड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो JLR का नंबर रहा था वही एक बड़ी खबर इस समय इस स्टॉक में आते हुए दिखी थी। इससे पहले देखेंगे तो कुछ भी बड़ी न्यूज इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो टेक्निकल ट्रेंड है वो काफी बेटर दिख रहा है इस समय देखेंगे। अभी भी अपने जो सेक्टर है उस सेक्टर को आउट परफॉर्म करते दिख रही है। अब मैं इस स्टॉक के वॉल्यूम और हमने टेक्निकल ट्रेंड्स देखें, अगर बात करें डिलीवरी की तो 45-70% की डिलीवरी इस स्टॉक में कंटिन्यूअस दिख रही है। इसी डिलीवरी वॉल्यूम के साथ अब जो इसका टेक्निकल ट्रेंड है, इस समय फ्रेश बाइंग करना, अगर यहाँ फ्रेश बाइंग करते हैं वो थोड़ा रिस्की तो हो सकता है, लेकिन शॉर्ट करना बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। जब तक ये स्टॉक, ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, आप इस चीज को समझें कि मिनिमम जब तक ये स्टॉक 692 के नीचे नहीं आता है तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी लॉन्ग है तो 700 के नीचे के SL को ट्रेल करके लॉन्ग करें। फ्रेश बाइंग करते हैं तो यहाँ क्वांटिटी स्मॉल रखें, दूसरा बाइंग क्वांटिटी 668 पे रखें और तीसरा 596 पे। ये उनके लिए है जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1000। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इस समय ना तो बाइंग करें, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो विद SL होल्ड करें, ना ही एग्जिट करें।